हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मौज मस्ती में होंगे। तो आज हम जा रहे हैं गांव, हमारे खेत पर। तो आप लोगों को मिलते हैं बाइक पर। चलिए चलते हैं बाइक की तरफ। तो गाइज, हम लोग घर से निकल चुके हैं और अभी चल रहे हैं हम हाईवे के लिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं, सामने फाटक बंद थी, खुल चुकी है। तो और ये आप राइट साइड में देख सकते हैं, सनराइज हो रहा है, तो इसका बहुत अच्छा प्यारा व्यू आ रहा है। देखिए ये हाईवे पे, और ये आसपास में खेतों के साथ में ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाइस, इसके आगे की जर्नी आप लोग सॉन्ग के साथ एंजॉय कीजिए। हेलो गाइस, तो हम पहुंचे थे गांव और आप व्यू देख सकते हैं, सनराइज हो रहा है और गांव में खेत पे पहुंचे हैं। यहां पे जो निकलवा रहे हैं हम, तो मैं आपको सिनेमैटिक दिखाता हूं। मिलते हैं आपको खेत के अंदर। चलिए चलते हैं खेत के अंदर। ये इतना फोग हो रहा है, इसके पीछे ट्रैक्टर है, शायद आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो मैं उसके पास जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए गाइस, आपको इसका सिनेमैटिक व्यू दिखाता हूँ, तो एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक। गाइस, आप लोगों ने सिनेमैटिक एंजॉय किया, तो अब हम चलते हैं कोठी की तरफ। कोठी मतलब जो गांव में कुआं होता है उसे कोठी बोलते हैं खेतों पर। तो आपको दिखाता हूं मैं हमारी कोठी, और चलते हैं उधर की तरफ। चलिए, ये हमारे खेत का पूरा व्यू देखिए। देख सकते हैं आप लोग। चलिए चलते हैं कोठी की तरफ और आपको दिखाता हूं। सो गाइस, आ गए हम हमारे कोठी पर, मतलब कि कुएं पर। तो आपको मेरे व्लॉग में कुछ कुछ अलग अलग शब्द सीखने को मिलेंगे, तो मतलब जो कि राजस्थान में यूज लिए जाते हैं। तो देखिए, ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है इसमें, और ये हमारा खेत। ये सामने जो मंदिर दिख रहा है, बालाजी का मंदिर है, पर जो खाखला निकल रहा है, ये जो इसका चारा, जो ये कटाई हो रही है इसमें, जो कि इसका चारा, इसको खाखला बोलते हैं। तो इसके जो फोग सा हो रहा है, ये धुआं हो रहा है, तो ये उड़ रहा है हवा में, इसकी वजह से क्लियर नहीं दिख पा रहा है। तो अभी आपको बाहर से दिखाएंगे बालाजी का मंदिर, तो चलते हैं उधर की तरफ। मिलते, ये देखिए जो ढेर लगाया हुआ है इन्होंने, तो वो दो जगह पर लगाया हुआ है, एक उस साइड निकल रहा है, और उसके बाद में वो जब पूरा निकल जाएगा उसके बाद में इस साइड निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा ढेर है, तो मिलते हैं उधर।
गाइज उस साइड ट्रैक्टर का थोड़ा शोर ज्यादा हो रहा है, तो मैं आपको ले चलता हूँ बालाजी के मंदिर की तरफ, मानी हनुमान जी भगवान के मंदिर की तरफ, तो दिखाता हूँ आपको बालाजी का मंदिर। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं बालाजी के मंदिर की तरफ, तो आप लोग नेक्स्ट क्लिप में मंदिर के सिनेमेटिक चेक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। तो दिखाता हूँ मैं आपको सिनेमेटिक व्यू। तो गाइज हम लोग जाए हैं बालाजी महाराज के मंदिर की तरफ, और आप लोगों को मुझ में थोड़ा चेंज लग रहा होगा, जो कल का कॉन्फिडेंस था उससे थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बूट अप हुआ, और ऐसे ही वीडियो बनाते बनाते और ज़्यादा इंक्रीज होगा, और मिलते हैं आपको खेत पर वापस। तो गाइज हम लोग गाय पालते हैं, मतलब हमारे घर पे चार गाय हैं, तो जैसे ही ये चारा कट जाता है पूरा और इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद में जो एक गाड़ी आएगी जिसको जुगाड़ बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, तो उसमें हम रखेंगे जो कट्टे होते हैं प्लास्टिक वाले, उनका तिरपाल बनाया हुआ होता है सिल के बड़ा, तो उसमें भर के और फिर उसकी पोर्ट बना देते हैं, मतलब एक जगह बांध के और फिर उस व्हीकल में रख देते हैं, तो हम उसमें रखवा के और इस चारे को निवाई लेके जाएंगे तो हमारी गायों के लिए। तो अभी मिलते हैं जुगाड़ आने पर आप लोगों से। तो गाइस कुछ कुछ शब्द आप लोगों को अजीब लगेंगे, पर ये अजीब शब्द आप लोगों को सीखने को मिलेंगे जो कि राजस्थान में यूज़ लिए जाते हैं, तो बने रहिए। जो छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं आपको, ये सब बगुले हैं, इकट्ठे हो गए यहाँ पे। जूम करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। गाइस तो जो ये मशीन चल रही है इसको बोलते हैं थ्रेसर, इसमें इस साइड से जो ये पुली बनी हुई है इसको डालते हैं, जो मतलब फसल कटने के बाद एक जगह इकट्ठी हो जाती है उसको बोलते हैं पुली। और इधर की तरफ से निकल रहा है इसमें से जो चारा, ये देख सकते हैं इकट्ठा हुआ हुआ है, ये ट्रैक्टर। और जो इसकी जो फसल है वो इस ट्रॉली में इकट्ठा हो रही है। तो गाइज अब हम चलते हैं वापस घर पे निवाई, तो मिलते हैं आपको निवाई जाके। तो गाइज हम लोग पहुंचे थे घर पर, और इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। ओके गाइज बाय।